ये श्रीमान जी नो पार्किंग में अपना TSR खड़ा किए हुए है। इससे पूछते हैं कि नो पार्किंग में अपना TSR क्यों खड़ा किया हुआ है, जबकि यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा रखा है। आपने TSR क्यों खड़ा किया यहाँ? सर सवारी के लिए खड़े थे सर। आपको पता है कि रोड पर नो पार्किंग जहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, ऐसी जगह सवारी के लिए इंतज़ार करना नो पार्किंग का चलान बनता है। नो पार्किंग का चलान है 122/177, 100 रुपये का जुर्माना होता है। अपना लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस नहीं है सर। इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, पोल्यूशन का वो भी नहीं है, इंश्योरेंस का वो भी नहीं है जी, बैज कोई कागज नहीं है सर। इनके पास गाड़ी के अंदर कोई भी कागज नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो नो पार्किंग जोन में जहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर इन्होंने TSR खड़ा किया है। तो इसमें नो पार्किंग के लिए 122/177 फाइन 100 रुपये और 132 ला फुल डायरेक्शन की अवहेलना करना 132/179 सेक्शन के अनुसार 500 रुपये जुर्माना। उसके बाद पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, उसके लिए 115 CMVR/190.2 हज़ार रुपये का जुर्माना। उसके बाद इनके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, इंश्योरेंस के लिए लगेगा 146/196 हज़ार रुपये जुर्माना। उसके बाद इनके पास वर्दी भी नहीं है, क्योंकि इनके वर्दी पहने हुए होना चाहिए और बैज लगा हुआ होना चाहिए, तो विदाउट वर्दी का भी 66.1/192A, ये इसमें 5,000 तक का फाइन हो सकता है। ये कोर्ट का चलान होता है। और वर्दी के बाद में इसके बाद बैज भी नहीं है, विदाउट बैज भी 66.1/192A, यानी कि कुल मिलाकर इसने विदाउट लाइसेंस का जिसमें 500 रुपये जुर्माना, उसके बाद विदाउट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उसमें 1,000 रुपये जुर्माना, यानी 3/181 लाइसेंस, और उसके बाद विदाउट पॉल्यूशन 115 CMVR/194 हज़ार रुपये, उसके बाद विदाउट इंश्योरेंस 146/196 हज़ार रुपये, उसके बाद विदाउट वर्दी उसमें 66/192A कोर्ट का चलान है, 5,000 तक फाइन हो सकता है, और विदाउट बैज भी 66/192A ये भी 5,000 तक का चलान है। तो इसने कुल मिला के ये सभी ऑफेंस किए हैं। ऐसे ऑफेंस करने पर विदाउट अगर ये कागजात कोई भी नहीं है तो इसकी गाड़ी भी जमा होगी, और अगर कागजात हैं तो गाड़ी इसकी छोड़ी भी जा सकती है। अगर ऐसे में गाड़ी बाहर डिस्ट्रिक्ट की है, बाहर की है, बाहर स्टेट की, तो वो गाड़ी जमा ही करनी पड़ती है। तो अब इसका कुल मिलाकर चलान काट कर ये गाड़ी जमा की जाएगी, जो कि क्योंकि जब भी धारा 66 का चलान होता है तो 66 का चलान और 185 का ड्रंकन वाला और 66 का ये कोर्ट का ही चलान होता है। बाकी चलान जेडो मौके पर भी कैश में भी कर सकता है। अभी मैं इसका कोर्ट के लिए चलान करवाता हूँ, इन सभी धाराओं के साथ इसका चलान करवाया गया और गाड़ी को इम्पाउंड करके जमा कर किया गया। मैं लेखक रामवीर सांगवान, जेडो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, माय यूट्यूब चैनल रामवीर सांगवान दिल्ली पुलिस, और माय फेसबुक पेज है PTC दिल्ली पुलिस रामवीर सांगवान लाइस ट्रैक्टर दिल्ली पुलिस, PTC दिल्ली पुलिस रामवीर सांगवान लाइस ट्रैक्टर। अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी से निवेदन है कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करें और औरों को करने के लिए कहें। जय हिंद। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। चूँकि
टैक्सी ड्राइवर द्वारा ओवरचार्ज लेना या रिफ्यूज करना सवारी को ले जाने के लिए, और बैज ना होना और वर्दी ना होना, ये सब परमिट वायलेशन में आता है। इसलिए 66(1)192 ए धारा लगाकर कोर्ट के लिए भेजा गया। जय हिंद।